एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम आयशा था। आयशा बहुत प्यारी लड़की थी। आयशा के घर के पास एक बाग था। बाग में बहुत सारे दरख्त थे। एक दरख्त पर झूला लटका हुआ था। वो झूला आयशा का था। आयशा रोजाना झूला झूलती थी। आयशा को झूला बहुत पसंद था। आयशा की एक सहेली थी। उसका नाम समिया था। समिया आयशा को झूला देती थी। एक दिन समिया अपने मामू के घर चली गई। आयशा झूलने झूलना झूला झूलने बाग में गई। आयशा झूले पर बैठ गई। आयशा को झूला देने के लिए समिया वहाँ मौजूद ही नहीं थी। आयशा झूला ना झूल सकी। आयशा परेशान हो गई। आयशा सोचने लगी, अब मुझे झूला कौन देगा। समिया तो अपने मामू के घर चली गई है। आयशा के पास एक चिड़िया आई। चूँ चूँ प्यारी आयशा, मैं परेशान मत हो। चूँ चूँ मैं तुम्हें झूला दूंगी। चूँ चूँ तुम अच्छी बच्ची।